हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पूर्णचंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल बारीपदा मयूरभंज एंड आई एम योर लेक्चर लेक्चर इन केमिस्ट्री। सो आम प्रीवियस क्लास रे कौन पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो गैल्वेनिक सेल आम पढ़ी प्रीवियस क्लास रे, आज आम कौन पढ़ा जो तुम नेट सेल रिएक्शन केमी लिखा आमर गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करवा मो गैल्वेनिक सेल को आउ थरे तुमको रिमाइंड करे दोसी केमती थिला तमरो कंस्ट्रक्शन आउ वर्क फंक्शन आउ जे कोन हो दिला छु नै कि। तो देखो हमरो फर्स्ट कोन दिला ना दीटा कंटेनर आमे नउथले, दीटा कंटेनर रे दीटा इलेक्ट्रोड मु डिप करउथले, फर्स्ट इलेक्ट्रोड रहला ये सेकंड इलेक्ट्रोड ये रहला। तो ए जो दीटा इलेक्ट्रोड को गोटे गैल्वेनोमीटर रे मु कनेक्ट करथि, तो बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय गैल्वेनोमीटर बाय व्हिच Converting the function of galvanometer, galvanometer detects to the flow of electron. The flow of electron कुछ ये कौन करेगा? Detect करेगा। तो suppose वो एक आपको कौन मिली? Zinc rod मिली। या कौन मुझे कौन नहीं थी? Copper rod नहीं थी। तो copper rod और zinc rod को हमें कौन करते हैं? Deep करते हैं। तो zinc rod को मुझे कैसे deep करते हैं? ZnSO4 solution में, ये copper rod को मुझे CuSO4 solution में deep करते हैं। So copper rod dipped in the electrolytic solution that is CuSO4 or copper sulfate, and the zinc rod will be dipped at the ZnSO4 or zinc sulfate solution, and both solutions are connected by a salt bridge by which the electrical neutrality will be maintained by this salt bridge, and the both sides are porosity or can be porosity with or it is covered by the cotton. So the salt bridge contain any electrolytic solution like NO3 or KCl like that. Now the electric current should be given, then the electrons from the zinc rod will be replaced, or zinc rod kon utla na Zn2+ amro remove utla jaha pore tumar eti kon utla zinc ta tumar oxidation utla kon utla ऑक्सीडेशन होतला जे तुमरो एनोड मु कहि छी जे तुमरो ये होची इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे कोन होची ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रे केमिकल एनर्जी रु इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होची, द एनर्जी और द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डिवाइस व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हमें लिखि परबा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस इन व्हिच द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी गुड। सो जिंक रोड इन एनोड एंड कॉपर रोड इन कैथोड, सो इट इज इन कैथोड, सो इट इज इन कैथोड। सो ए कैथोड रे कोन होची ना हमरो जो सॉल्यूशन रु Cu2+ ये जाई के आयन का मेटल रे मिसी होची, तो मेटल रे जे मिसी होची यारो वेट बा तरो मॉलिक्युलर वेट कोन होची बढी होची यार मॉलिक्युलर वेट कमी होची। आमे एटा गैल्वेनिक सेल रे कोन दिले ताले तारो नेट सेल रिएक्शन को आमे कोन होतले रिडॉक्स रिएक्शन होतला। तो रिडॉक्स रिएक्शन एठी कोन होतला ना देखो इट इज स्पोंटेनियसली फॉर्मेशन होतला तुमरो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ एठी रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कोन ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रिडॉक्स रिएक्शन होची गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एठी कोन होतला गेन होतला इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बा इलेक्ट्रॉन आ एठी होची तुमरो इलेक्ट्रोड रे लॉस होतला इलेक्ट्रॉन। सो आमे एठी लिखि परबा Zn सॉलिड विल बी लॉस इलेक्ट्रॉन दैट इज Zn2+ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द कॉपर Cu2+ दैट इज एक्वास इन एक्वास फॉर्म that will be +2 electron that will be Cu solid. So the net reaction here is oxidation reaction at anode re kon chi oxidation reaction apnar नेक्स्ट तले हमरो कोन होतला एडी ऑक्सीडेशन एट एनोड, देन हमरो एडा कोन होतला कॉपर जते तुमरो एठो सॉल्यूशन कॉपर जाई इलेक्ट्रोड रे एंट्री करतला ताले यार मॉलिक्युलर वेट बढी होतला एठी कोन होतला कैथोड रे तुमरो रिडक्शन होतला। सो रिडक्शन एट कैथोड ताले कैथोड रे रिडक्शन होतला ऑक्सीडेशन होतला एनोड रे, ताले नेट रिएक्शन टोटल रिएक्शन ता कोन होतला टोटल हमरो सर्किट रे कौन रिएक्शन का होगला ना मैं ताको एड कर दूंगा नेट रिएक्शन का क्या दिया हो ना जीक सॉलिड प्लस
to form the next Zn 2 plus plus of that is aqueous form and Cu that is solid. So net reaction ta amar eta paigole net cell reaction ta ame paigole to bottom yaku ame kon koriba galvanic cell represent kemti koriba thik achi representation of galvanic cell ame bottom sudha eta kon korile galvanic cell korile galvanic cell re kon hola ei reaction ta ko auchi redox reaction both oxidation and reduction takes place so it is called redox reaction net reaction ta taku redox reaction ko aje redox reaction cause तले एटा छि रिडॉक्स रिएक्शन बाटा को नेट रिएक्शन को आउ छि तले याको केमिति रिप्रेजेंटेशन करिवा हम किछि तार फार्मूला किछि ट्रिक्स अछि सेला कोन रखिया नै पड़िवो जेमति कि सपोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल को हम केमिति रिप्रेजेंट करिया फर्स्ट फॉर्म रिप्रेजेंट करियो फर्स्ट मेटल लिखिवा फर्स्ट मेटल देन वर्टिकल लाइन देन मेटल आयन देन डबल वर्टिकल लाइन देन मेटल आयन सिंगल वर्टिकल लाइन देन मेटल एटा होछु तमर कोन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल ताले दीथो लेखा जे जो मेटल मेटल ताले ओटे साइड रो मेटल को हमें एनोड ओटे साइड रे हमें कैथोड हमें करिया ठीक अछि ताले ये ए साइड का होछि एनोड ए साइड का होछि कैथोड ये होछि लेफ्ट साइड ये होछि राइट साइड ताके केमति मु रिप्रेजेंट करू छी सपोज सपोज हमर रहला कोन सपोज एडी रहला कोन सपोज बर्थडे हमर सेल रोल छी जोटा जिंक सीयू एसओ4 एटा होछि गैल्वेनिक सेल ओटे गैल्वेनिक सेल ताको हम केमिति रिप्रेजेंट करबा फर्स्ट काम होछ कोन ना तारो नेट सेल रिएक्शन हम बाहर करले नेट सेल रिएक्शन एदि बाहर करतिलि मु सेटा को मन रखिबो नेक्स्ट होछ तोमर गैल्वेनिक सेल को हम रिप्रेजेंट केमिति करबा देखो मु किछि ट्रिक्स मन मन रखिया पई होछि एटा होछि लेफ्ट साइड एटा होछि लेफ्ट साइड ये होछि तमरो राइट साइड ठीक अछि भले अल्फाबेटिकली मने रखबो लेफ्ट राइट लेफ्ट रो एल्टा होछि फर्स्ट आका होछि राइट माने सेकंड त लेफ्ट राइट एथि ताले ऑक्सीडेशन होछि कोन होछि ऑक्सीडेशन होछि एथि तमरो रिडक्शन होछि कोन होछि रिडक्शन होछि रिडक्शन होछि तले ऑक्सीडेशन ये होछि रिडक्शन नेक्स्ट होछि कोन ना एटा हमर एनोड ये होछि कैथोड ये होछि ताले नेगेटिव चार्ज ये होछि तुमर पॉजिटिव चार्ज ताले एटा कोन माने ये कॉलम रे दैछि बा तुमर सेमीकोलन बा वर्टिकल लाइन सिंगल वर्टिकल लाइन आ डबल वर्टिकल लाइन भीतर डिफरेंस पे कोन ना डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द सॉल्ट ब्रिज एटा को हमें कोन पाइबा बा कोज को दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज इट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज रो काम कोन ना दीटा जो तुमर इलेक्ट्रोड रहउछि इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन रहउछि से दीटा इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन को मिसिया पाइ दबो इट इज प्रिवेंट्स और इट प्रिवेंट्स टू मिक्सिंग द टू इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन so salt ridge and there is one vertical line or single vertical line is called eta jaha eta se same jinso amar one single vertical line ta represents korchi ta phase boundary the phase boundary between the electrode and electrolytic solid that is solution or electrode amar metal au amar electrolytic solution bitre kon hochi तोर बाउंड्री जस्ता बिटवीन द मेटल सॉलिड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट और सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन सो द सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द फेज बाउंड्री बिटवीन द मेटल सॉलिड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और आयन भी हम कह देगा तो हमें एटा को लिख के बात ए चीज को कौन मेटल और मेटल आयन सपोज जिंक आ मु लिख पर जिंक सॉलिड लिख ली
ZnSO4 एटा लिखिबा जहा ताको आउरी कोन लिखियोबो जिंक सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन देन Zn2+ एक्वास तो जिंक सॉल्यूशन ता जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिखिबा जहा Zn2+ सॉल्यूशन ना Zn2+ एक्वास लिखिबा सेल जिंसो तो एरिया को हमें कोन कोन से एनोड रे होस एटा केमदि मन रखिबो दैट इज लोन L O A N ताले हमें लिखिले लोन लोन माने कोन ना लोन होछ तुमरो लेफ्ट साइड होइबो आउ जो तारो हमें कोन कोन छे सेकंड लाइन माने कोन अल्फाबेटिकली हमें लिखला देखो L का पास रोछ अल्फाबेटिकली हमें L को पास लेबो छे R को तापरे L परे R होछ अल्फाबेटिकली सेम जे O परे R होछ A परे C होछ N परे P होछ माने अल्फाबेटिकली हमें सोचेला बेल को एक बार फर्स्ट लेटर को फर्स्ट आसीबो तापरे कोन होबो थ्री लेटर को आसीबो ताले तुम माने मन रखला पे जी होबो जे अल्फाबेटिकली जोटा फर्स्ट होबो सी होछ लेफ्ट रे होबो लोन L O A N ताले लोन रेला लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव तारो जस्ट ऑपोजिट लेफ्ट नो राइट ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनोड कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव सो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड द फर्स्ट एनोड रिप्रेजेंट करिमु तापरे कैथोड को रिप्रेजेंट करूछि देखो कैथोड ताले कोन लिखा हबो इट रेला CuSO4 इट रेला CuSO4 वन सिंगल वर्टिकल लाइन Cu2+ एक्वास और हम एटा लिख देबा Cu2+ सॉरी सॉरी Cu सॉरी Cu2+ एक्वास सेमी कोलन और सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड ताले ये होची कोन ना कैथोड ताले ये कैथोड रे अछि ये एनोड रे अछि ताले दीटा को रिप्रेजेंट केमती करिवा ना फर्स्ट लिखिया मेटल ऑफ एनोड फर्स्ट लिखिया मेटल ऑफ एनोड metal of anode that is zinc solid metal solid of anode then single vertical line metal solid ro ion likhya Zn 2 plus that is in aqueous form double vertical line which is known as salt freeze then Cu 2 plus single vertical line Cu solid इट इज इन एक्वास फॉर्म एटा होचे तुम्हारो गैल्वेनिक सेल रो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल तो पिले मो किछ होमवर्क तुम पे दे दउ छी सही होमवर्क रे कोन ना तुम्हें रिप्रेजेंट करियो सेल रिएक्शन नेट सेल रिएक्शन लिखिबो एंड रिप्रेजेंट्स द गैल्वेनिक सेल सो suppose explain the net cell reaction and represent by the organic cell represent by galvanic cell number 1 Zn CuSO4 cell number 2 Cu AgNO3 cell number 3 suppose Zn HCl cell next Ni AgNO3 that is Ni AgNO3 cell next H2 CuSO4 cell तो यही
जो सेल गुडा दैछि तार नेट सेल रिएक्शन लिखिबो आ ताको रिप्रेजेंट करिवो गाल्वानिक सेल ले। तो पिले एटा थिला कोन नेट सेल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ गाल्वानिक सेल। नेक्स्ट क्लास को हम पढियो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल कोन। ठीक अछि तो आज पै यति कि तो पिले एहि मोरे कथा कहबि जति कि तमरो सिलेबस बा जति कि तमरो क्लास रे पढा होछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास करिकि जति कि पढा लागबो जति कि रे क्लास हेछि सब गुडा नोट्स निजे करिकि मते के सेंड करिवो जति कि संभव जति कि तमे पारिबो लिखिबो नोट्स लेखिकि मते सेंड करिवो तापर मु ताको मॉडिफिकेशन करबी देन मु तमानको नोट्स देबी। तो माने निजे बछिकि घरे किछि किछि लेखिकि मते सेंड करिवो ए चैप्टर उपर जति कि नोट्स तमे पॉसिबल हे करिवो जति कि तमे लेखिकि मते सेंड करिवो आ ए होमवर्क ताको निजे करिकि मो नंबर रे पर्सनल